हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपराइड ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और ये मेरे सामने खड़ी है भाई फ्रोंक्स, पेस मॉडल लेके आया हूँ सिग्मा का, जो कि हमारे पास सीएनजी के अंदर। अभी तक सीएनजी की गाड़ी की मैं फ्रोंक्स की वीडियो नहीं ले पाया, आप मुझे मिली नहीं थी भाई, इसलिए नहीं ला पाया। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की, तो सेम उस वाली मिलती है 3995 की। चौड़ाई की बात करोगे तो यहाँ आपको चौड़ाई इसमें मिल जाएगी 1765 mm की। तो कुछ इस तरीके की इसकी पूरी डिटेल्स हैं जो कि हमें डायमेंशन में मिलती है। सामने बात करोगे, जैसे उसके अंदर आती है वे थ्री लाइट्स, 1, 2, 3, वो इसमें नहीं है। यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर मिलेगा और वहाँ पर ये नॉर्मल है जैसे, या फिर हल्की फुल्की DRL मिल जाएगी। जैसे कि मैं अगर आपको दिखा भी दूँ, तो एक बार ये अनलॉक किया तो इस तरीके से ये ब्लिंक करता है। नीचे की तरफ आओगे, यहाँ मिलेगा आपको सिंगल इसका रिफ्लेक्टर जो कुछ इस तरीके का है। लाइट इसमें वही दिया हमें रिफ्लेक्टर वाली, नीचे थोड़ा सा क्रोम का पोर्शन और लाइट नीचे है, तो भाई इसके अंदर फोग लैंप आते नहीं। सामने टोइंग हुक, ये इसका थोड़ा सा क्रोम की ग्रिल जो कुछ इस तरीके की, सामने सुजुकी का लोगो, ये इसका पूरा का पूरा मिल जाएगा लुक इसका। ये है हमारे पास बोनेट, ऊपर वाइपर वॉशर देखने को मिलेंगे। क्लैडिंग की जैसे हम बात करते हैं, सामने की तरफ थोड़ी सिल्वर प्लेटिंग, क्लैडिंग हमें पूरी गाड़ी में आगे से पीछे तक मिल ही जाती है भाई फ्रोंक्स के अंदर, तो सामने कुछ इस तरीके की। हाँ, टायर की बात करते हैं, तो टायर इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे व्हील कवर के साथ, गुडियर के टायर हैं। टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो ये मिलता है भाई हमें R16, तो भाई 16 इंच का ही टायर हमें बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, मतलब बेस से टॉप तक 16 इंच के टायर इसमें दिए गए हैं। ये कुछ इस तरह, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm जो कंपनी बोल रही है। डोर ये आपको दिखेंगे क्रोम के अंदर, ये भाई लगाए गए हैं जैसे कि ORVM पे, ये थोड़ी सी कारीगरी की गई है, ये कुछ इस तरीके की ये मिल जाएंगे इसके ORVMs। यहाँ पर क्रोम की डोर हैंडलिंग जैसे वाइट कलर में है, तो ABC तीनों पिलर वाइट में देखने को मिलेंगे, और इसमें छोटा सा कांच भी मिलता है एयर स्पेस शो करने के लिए। नीचे बात करोगे, पीछे हमें ड्रम ब्रेक, आगे डिस्क ब्रेक, वही सेम 16 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं पीछे की तरफ, जो कि इसका सबसे बेस्ट डिजाइन लुक का, ये है फ्रोंक्स का पूरा बैक लुक। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ये तीन चमकदार इसकी लाइटें, ये बेस मॉडल में भी ऐसी आती है। हाँ, कनेक्टिंग नहीं है, वो ऊपर मॉडल में जाती है। यहाँ पर इसके साइट्रन इंडिकेटर, नीचे रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर, साथ में रिफ्लेक्टर एक यहाँ पीछे की तरफ, सिल्वर कलर की है कुछ इस तरीके की इसकी, बम्पर दिया, तो डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर सकते हो 4x2 में। फ्रोंक्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ दिखेगी, CNG की ब्रांडिंग यहाँ, और बेस मॉडल से जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें डिफोगर, नेक्सा की ब्रांडिंग दी हमें यहाँ पर। एक बटन दबाएंगे, शायद गाड़ी बंद है, गाड़ी पहले ओपन करनी पड़ेगी। ये गाड़ी हमने खोल ली, ये हो चुका है भाई इसका बूट ओपन। बूट की बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा पार्शल ट्रे जो कि आपको दिख ही रहा है, और यहाँ रख दिया भाई इसकी स्टिपनी। आपको स्पेस मिलेगा सिर्फ इतना, ये तो मतलब आप एक बैग डाल दोगे, और अगर आप इसका पार्शल ट्रे नहीं लगाते हो तो यहाँ तक आपको काफी ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा, मतलब आप रख सकते हो सामान 60-70 लीटर तक का आपका, लेकिन स्पेस कॉम्प्रोमाइज इसके अंदर होगा, जरूर होगा, क्योंकि CNG गाड़ी है तो स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगा। वही 8 लीटर कैपेसिटी वाला हमें देखने को मिल जाता है, और जैसे मारुति हम जानते हैं माइलेज के लिए, तो 250 किलोमीटर तक की इजिली माइलेज ये निकाल देगी, तो ये सारे फीचर्स हमें इसके बूट में देखने को मिल जाएंगे। इसको करते हैं बंद, तो ये हो चुका है बंद। अब चलेंगे अंदर, अंदर जाने से पहले दिखा दूं इसकी चाबी, ये है इसकी चाबी, और इस मॉडल में भी हमें देखने को मिलती है दोनों की दोनों रिमोट की। भाई CNG थोड़े से ऊपर मॉडल में लगाती है, क्योंकि कंपनी मारुति कभी भी नीचे मॉडल में CNG नहीं लगाती। डोर की बात करें, डोर पे आ गए, ये देखो भाई सॉफ्ट टच यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये हिस्सा ये प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक, ब्लैक कलर के डोर हैंडल, चारों पावर विंडो, ऑटो डाउन के साथ ड्राइवर सीट, ये लॉक अनलॉक के लिए, ये रिट्रैक्टेबल, और ये आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। नीचे दिया गया है आपको बोतल होल्डर, कुछ सामान रखने की जगह, स्पीकर, ग्रिल, ये सारी चीजें आपको कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। एक बार यहाँ बता दूं, ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया, हेडलाइट लेवलर दे दिए, और CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए बटन ऑटोमेटिक भी हो जाती है, इससे आप इजिली चेंज कर भी सकते हैं। अब आते हैं सीट पे, जैसे इस पे सीट कवर लगे हुए हैं, तो भाई ये लगा दिए शोरूम वालों ने, तो मैं आपको मॉडिफिकेशन भी देगा, कुछ इस तरीके के सीट कवर भी मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, थाई सपोर्ट अच्छा है अंदर बैठते, बाकी बात अंदर बैठने के बाद करेंगे।
हम आ चुके हैं फ्रोंक्स सीएनजी के इस मॉडल के अंदर। तो अभी बता देता हूँ, इसके स्टेयरिंग खाली दिखेगा ना, यहाँ ना यहाँ कुछ नहीं, दो एयर बैग इसके अंदर दिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। नीचे से फ्लैट बॉटम है, कोई लेदर रैपिंग व्रैपिंग कुछ आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगी। सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ पर, यहाँ देखने को मिल जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चलो एक बार ऑन कर देते हैं, चाबी घुमाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। सीएनजी पेट्रोल की ब्रांडिंग यहाँ, छोटी सी एमआईडी, ऊपर टाइम, नीचे टेम्परेचर, यहाँ पर चलते हुए गाड़ी का सीएनजी लेवल, वहाँ पर फ्यूल लेवल। यहाँ से इसको एडजस्ट करो, नीचे किलोमीटर पर लीटर, एवरेज रेंज, एवरेज की बता दूँ पेट्रोल में 23 किलोमीटर पर लीटर, और सीएनजी में चलाओगे तो आपको ये दे देगी 26 से 28 किलोमीटर पर केजी। आरपीएम मीटर यहाँ, स्पीडोमीटर यहाँ, एबीएस ईबीडी स्टैंडर्ड आते ही हैं, दो एयरबैग, सेफ्टी के फीचर के नाम पे आपको ये मिल जाएगा। साइड में बात करोगे डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड में सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ना टूडिन का, ना टच, ना आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो खाली जगह है। वैसे स्पीकर आपको अगर दिख जाए तो लगा रखे हैं, लेकिन शोरूम ने, इस मॉडल में नहीं मिलते। दो मिलेंगे एसी वेंट यहाँ, एक उधर एक इधर, चार एसी वेंट, थोड़ी सी कार्बन फाइबर की फिनिशिंग। ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको इसका एसी, जो कि फ्रोंक्स के हर मॉडल में आता है बेस मॉडल से। नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ चलो भाई, यहाँ मिल जाएगा आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, फोन रखने की जगह, दो कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, कुछ सामान रखने की जगह, साथ में हैंड ब्रेक यहाँ पर दे दिया है, छोटा मोटा सिक्के विक्के रखने की जगह, कुछ अपना पर्स वर्स यहाँ पर आप इजीली रख सकते हैं। IRVM की बात करोगे, मैनुअल देखने को मिलेगा यहाँ पर, सनवाइजर पे यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं है। एयरबैग की ब्रांडिंग वहाँ देखने को मिल जाएगी, साथ में थोड़ी सी लेदर रैपिंग। इसकी बात करोगे, इतना इसमें स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा ग्लव बॉक्स के अंदर। ये सारे फीचर्स हो गए सामने। थाई सपोर्ट बोल रहा था भाई, पूरा अच्छा थाई सपोर्ट है, तीनों के तीनों पैडल नीचे देखने को मिल जाते, साथ में डेड पैडल भी कंपनी ने दे दिया है। आपका बोनट और फ्यूल यहाँ से ओपन कर सकते हो। फ्यूल की बात करूँ, 37 लीटर आप इसमें फ्यूल डलवाओ, 8 किलो की इसमें गैस इजिली आ जाती है। सारे फ्रंट के फीचर्स हो गए, अब चलता हूँ पीछे, बाकी बात करता हूँ पीछे जाने के बाद। पीछे वाला डोर 90 डिग्री के साथ ओपन हो जाता है, पीछे पावर विंडो दिख जाएगी, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ और यहाँ दोनों, ग्रैब हैंडल, बोतल रखने की जगह, स्पीकर ग्रिल यहाँ दे दिया है, ये छोटी सी स्किड प्लेट ये पता है शोरूम ने ही लगाई है। थाई सपोर्ट अच्छा है, बाहर खड़ी थी थोड़ी सी गंदी है। 3-pin सीट बेल्ट देखने को मिलेगी, साथ में आइसोफिक चाइल्ड सीट इसके नीचे दब गई वो इसके अंदर भाई हमें मिल जाती है। गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, इसको करता हूँ बंद, बंद कर दिया। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, नी रूम ये भी अच्छा है। पहले वाली गाड़ी मैंने दिखाया था आपको फ्रोंक्स में भाई, हेड रूम 6 फुट का बंदा नहीं बैठ पाएगा, तो अपना एडजस्ट करके लेना बैठ हो गया नहीं। यहाँ मिलेगा फ़ोन रखने की जगह, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, साथ में एक फ़ोन रखने की जगह नीचे। साइड में बात करोगे, सॉफ्टली ऊपर जाने वाला ग्रैब हैंडल यहाँ पर, कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम। इस मॉडल में भी 5 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पांचों के पांचों एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। एक लाइट दी है बीच में, हैलोजन की लाइट देखने को मिल जाएगी। पीछे से कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का पूरा लुक आता है। वहां पर आप 9 इंच की, 10 इंच की, 12 इंच की, 18 इंच की, जैसा आपका मन करे वो आप इसमें टच डिस्प्ले लगवा सकते हैं। ओवरऑल लुक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बूट मैं आपको दिखा चुका हूँ, छोटा सा मिरर आपको वहां देखने को मिलता है, पीछे वाले को एरी स्पेस हो जाता है, और हेडरूम काफ़ी ठीक है मेरे लिए, वैसे मैं 5-8 का हूँ, हेडरूम ठीक है, साथ में हेडरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे फीचर्स हो गए, अब चलते हैं बोनेट में। बूट मैंने दिखा दिया, बोनेट में चल के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया भाई इसका इंजन बे। ऊपर की बात करेंगे, कपड़ा इसमें दिया है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंजन की बात करेंगे, 1200cc का इंजन है, सेम जो हमें देखने को मिलता है सभी इनकी छोटी गाड़ियों में, 1200cc वाला। पावर फिगर की बात करें तो वही पेट्रोल से तो कम ही हो गई, तो पावर फिगर इसमें दिया है 78 bhp की, और टॉर्क जो नॉर्मल गाड़ियों में मिलता है 113, और इस वाली में मिलेगा क्योंकि सीएनजी के साथ है, तो सीएनजी में आपको देखने को मिलेगा 100 Nm एग्जैक्ट, 98.3 ये देखने को मिल गया। साथ में 4 सिलेंडर का इंजन है, इंजन गार्ड लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, नहीं हो तो आप लगवा लेना। ये इसके फीचर है, ABS EBD स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं, साथ में स्टैंडर्ड वही हमें मिलता है इसका, ऑटोमेटिक AC और एक दिया है रियर डिफोगर। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे,
और यहाँ से दिखाऊं तो ये है इसका ओवरऑल लुक इंजन भी ओपन होने के बाद। इसको करते हैं बंद। तो ये थी भाई हमारे पास मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जो कि सीएनजी के अंदर दिखाया मैंने आपको, सिग्मा वेरिएंट था। पूरे फीचर्स आपने यहाँ पर देख लिए। और अगर इसे खरीदना चाहते हो तो मारुति सुजुकी नेक्सा का ये शोरूम है रेठाड़ा के अंदर। इसकी पूरी डिटेल नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में, अभी वहां जाके देखो। और पूरी गाड़ी खरीदनी है तो खरीदो, मुझे काफी ठीक लगी। एनकैप की बात करोगे, अभी टेस्ट नहीं हुआ, होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये गाड़ी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी ऐसी वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।